लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने विवादित बयान दिया। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में रघुवंश प्रसाद ने कहा कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे और वेद पुराणों में इस बात का जिक्र है। उन्होंने कहा कि जो बातें वेदों में लिखी गई हैं उन्हें झुठलाकर इतना विवाद खड़ा करना गलत है। उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी अपनी मर्यादा खो रहे हैं। प्रचारित किया जा रहा है जो लालू जी के बीफ के बयान के बाद ना वो सब बयान वान का लोग का कोई मतलब है, वो एकेडमिक बहस है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। और इसमें आगे जनता का क्या काम होना है, विकास कैसे होना है, गठबंधन का राज बनेगा तो 35% महिलाओं का आरक्षण, सड़क पानी बिजली 24 घंटे बिजली, घर घर बिजली, बेरोजगारों को रोजगार, इस सब पर बहस चलाई जानी चाहिए। मोदी जी की लगातार सभा हो रही है, मोदी जी की लगातार सभा हो रही है, उसमें भारत सरकार पूरी भारत सरकार यहाँ पर उतरी हुई है और वो मार ताम झाम से कर रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं अनकारी हाथी घोड़ा छल की देखे रे रे, गांव का लोग बोलते हैं गाते हैं, ये दूसरा उसरा से मांग चांग करके यहाँ धमका रहे हैं, लेकिन आम जनता का समर्थन नहीं है।